अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में आज बनने लगे हैं गोला कबाब। और ये गोला कबाब बनाएंगे आप ईद पे। ईद आने वाली है तो हर घर में मेहमान आते हैं, तो मेहमानों के लिए नई नई डिशेस बनती हैं, तो ये मैंने बनाए हैं और बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं। साबुत मिर्चें ली है मैंने 7-8, साबुत वाली लाल ली है मैंने इस तरीके से, और ये मैंने लिया है साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के लिया है, दालचीनी 2 अदद ली हैं, और ये मैंने छोटी इलायची 5-6 ली हैं, और काली मिर्च ली हैं 1 टेबलस्पून भर के, और ये मैंने जायफल ली है 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास साबुत है तो वो भी ले सकते हैं आप। तो ये पाउडर था मैंने ले लिया है, और जावित्री ली है मैंने थोड़ी सी 2-3 चुटकी। तो इन सबको हम ग्राइंड कर लेते हैं चॉपर में डाल के, और ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया है। इस तरीके से आप भी बना लें। और 1 किलो मैंने कीमा लिया है, कीमा हमारा बीफ का है, तो इसके अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्चें इसके अंदर ही बारीक मशीन से करवा लिया था ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और प्याज को चॉप करके उसका पानी निकाल के आपने कीमे में डालना है, और इसी तरीके से हरी मिर्चें भी चॉप करके आपने डालनी है। आप इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक फ्रेश डालना है 1-1 टेबल स्पून, इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है तो आपने फ्रेश डालना है। और अब इसमें डाल देंगे हसबे ज़रूरत नमक 1 टेबल स्पून, मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें डाल लें। और इसके बाद डालेंगे इसमें पिसी मिर्च पाउडर, तो 1 टेबल स्पून इसमें मैंने मिर्च पाउडर डाला है, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। और ये मसाले जो मैंने ग्राइंड किए थे ये भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, मेल्टेड घी डालना है, तो ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे, और स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो हाथों से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं, तो मैं अब इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। और ये मैंने मिक्स करना है 10 मिनट तक। इसकी जो मिक्सिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अच्छी तरह मिक्स हुआ होता है तो ये बहुत अच्छे मज़ेदार खुशबूदार बनते हैं। तो इनको मैंने देखें 10 मिनट मिक्स किया है अच्छी तरीके से, और इनमें इनको कवर कर दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 2 से 3 घंटे बाद। और ये 3 घंटे मैंने इसको रखा था, और 3 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने एक ये सीख ले ली है गोला कबाब वाली इस तरीके से। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं इस तरीके से, तो मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगी। पेंसिल तो हर घर में होती है, आप आसानी से बना सकते हैं। और ये देखें एक थोड़ा सा हम उठाएंगे कोफ्ते के लिए जितना साइज़ बनाना है हमने, और इसको थोड़ा सा हम निकाल लेंगे, ये ज़्यादा था। इस तरीके से इसको हम टाइट करते जाएंगे, और जब ये टाइट हो जाए तो इसके अंदर हम पेंसिल डाल के इसकी शेप गोला कबाब वाली दे देंगे इस तरीके से, और इसको हाथों की मदद से सेट करते जाएं इस तरीके से। ये गोला कबाब वाली शेप बन गई है, और देखें इस तरह होल बनना चाहिए, ये होल की मदद से जल्दी फ्राई होते हैं और ये कच्चे नहीं रहते। तो मैं एक प्लेट में रख दूंगी, और अब ये मैं दूसरा बना के दिखाऊंगी आपको सीख के अंदर। ये भी इसी तरीके से हमने हाथों की मदद से इसको ज़रा टाइट सा करना है ताकि अच्छी तरह ये टाइट हो जाए, और सीख लेके फिर इसके अंदर हम भर देंगे इस तरीके से। आप सीख में भी बना सकते हैं, इसको डाल के अच्छी तरह इसकी शेप हम बना लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। हाथों की मदद से सेट करना है आपने इस तरीके से, और इसको भी निकाल लेंगे। देखें इसमें भी होल सा बन गया है, और इसको मैं सबको बना लूँगी गोला कबाब की शक्ल में। और ये मैंने बना लिए हैं, और इनको हम शेलो फ्राई कर लेते हैं। शेलो फ्राई इसलिए करना है कि इसमें पहले ही हमने घी डाला हुआ है कीमे के अंदर, तो हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई पैन में, तो इसको हम शेलो फ्राई करेंगे इस तरीके से। ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा घी में हमने इनको बिल्कुल भी नहीं डालना, बस इतना ही हमने इसमें ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लेना है। और ये मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, कुछ डाल दिए हैं कुछ बकाया है, बाकी भी हम सारे इसी तरह तैयार करेंगे। तो इनको हम सब तरफ से पकाएंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई पैन को भी हम घुमाते जाएंगे ताकि ऑयल सब जगह लगता जाए। और जब ये फ्राई हो जाएंगे 2 से 3 मिनट, तो इनको मैं मिक्स करके दिखाऊंगी आपको। अब ये हमारे गोला कबाब फ्राई हो रहे हैं। जब आपके मेहमान आए, आपने स्पेशल ये आपने बनाने हैं, और आपने बना के मेहमानों के आगे रखने हैं, और यकीन करें वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे, इतने मज़ेदार इतने खुशबूदार बनते हैं।
तो इनको हम मिक्स कर लेते हैं सब तरफ से। ये देखें तकरीबन ये 10 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में। ये हमने फ्राई कर लिए हैं सारे, तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और निकाल लेते हैं इसको फ्राई पैन के अंदर। प्याज हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और प्याज के ऊपर हम गोला कबाब रख देंगे इस तरीके से। और देखिए कितने अच्छे से हमारे गोला कबाब रेडी हो गए हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह ट्राई करना है और इसी तरह ही आपने डिश के अंदर आउट करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं रेसिपी के साथ। अल्लाह।